जुलाई 7 तारीख से तेलंगाना राज्य में एक बोनाल उत्सव होता है। तेलुगु समाज बहुत ही उत्साह से ये बोनाल फेस्टिवल मनाते हैं। मैं सभी हमारे हिंदू भाई बंधुओं से यह निवेदन करना चाहूँगा तेलंगाना राज्य के कि आप लोग माँ को खुश करने के लिए बकरे की भेंट देते हैं, कि हम माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, बहुत अच्छी वर्षा होना है, अच्छी खेती होना है, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, इसलिए हम बोनाल उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बकरा काटते हैं। तो मैं जितने भी जो मेरे हिंदू समाज के भाई बंधु, इस वर्ष बोनाल उत्सव में आप अगर बकरा कटवाना है तो हिंदू से कटवाइए, ये मैं मेरे हिंदू समाज से निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप गैर हिंदू को बुलाकर अगर आप बकरा कटवाओगे तो वो बकरा यानी वो प्रसाद के रूप में हम लोग माँ को चढ़ाते ना, वो झूठा होगा। क्योंकि जो बकरा काटने वाला जो गैर हिंदू समाज का जो होता है ना, उसका एक मंत्र होता है बिस्मिल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये मंत्र का उच्चारण करके वो बकरा काटता है, यानी वो बकरा वो अपने भगवान को चढ़ा रहा है। तो झूठा क्या हम हमारी माँ को चढ़ाते हैं क्या प्रसाद, अगर किसी झूठन हमारे भगवान को हम चढ़ाते हैं क्या, थोड़ा इस विषय पे विचार करना है। इसीलिए इस बार बोनाल उत्सव में किसी भी हाल में हम गैर हिंदू से बकरा नहीं कटवाएंगे। हमारे पास कटिक समाज है, हिंदू समाज है, बहुत सारे अपने हिंदू समाज के लोग हैं जो बकरा काटने का काम करते हैं, बहुत सारे उनके शॉप्स है, उनसे ही हम बकरा कटवाएंगे, शुद्ध हम हमारी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे, ये संकल्प लेने की आज हर वो हिंदू समाज को आवश्यकता है। साथ ही साथ तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वर्ष बोनाल उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए सरकार भी आगे आई है। 25 करोड़ रुपए बोनाल फेस्टिवल के लिए आपने सैंक्शन किया है, तो साथ ही साथ बकरा काटने वाला भी हिंदू हो इसकी भी व्यवस्था मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी भी व्यवस्था मुख्यमंत्री और तेलंगाना राज्य की कांग्रेस सरकार करे।